महा कार्टून टीवी। अंगूठी में चुड़ैल। रमा मैं जा रहा हूँ, शाम को तैयार रहना, बाहर डिनर पर चलेंगे। ठीक है। राकेश जी का पार्सल आया है। हाँ, मैं ही राकेश हूँ। किसने भेजा है पार्सल? इस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है। हैं? ये कैसे हो सकता है? बिजनौर से आया है साहब। ओह, चाची ने भेजा होगा, लाओ मुझे दे दो। यहाँ साइन कर दो साहब। कितनी सुंदर और चमकीली अंगूठी है। हाँ देखो, साथ में एक लेटर भी है। ये अंगूठी तुम्हारे पिता की है, इसे तुम्हें पहनना है। बाबा की अंगूठी? लेकिन उनका सब सामान तो पहले से ही मेरे पास है। क्या पता ये अंगूठी चाची जी के पास रह गई हो, इसलिए अब तुम्हारे पास भिजवाई हो। हाँ हो सकता है। तो फिर इसे पहन लो और जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना। हाँ चलो, शाम को मिलता हूँ। सोनू, एक गिलास पानी लाना। लो साहब। साहब जी। सोनू, क्या हुआ राकेश को? अरे सुबह तो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं मालकिन, जब दुकान से आए थे तो बहुत थके हुए लग रहे थे और मुझसे पानी भी मांगा पीने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो उन्हें खून की उल्टी हो गई। क्या खून की उल्टी? डॉक्टर, क्या हुआ है राकेश को? वेल, हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी हम उनकी बीमारी के बारे में जान पाएंगे। देखिए डॉक्टर, प्लीज आपको जो करना है वो करिए, पर प्लीज आप इन्हें ठीक कर दीजिए। जी आप फिक्र मत कीजिए, राकेश जल्दी ही सही हो जाएंगे। मुझे बिजनौर से चाचा और चाची को बुला लेना चाहिए। डॉक्टर, इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? हम इनकी बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहे, सारे टेस्ट करा लिए हैं, लेकिन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अब आप उनके लिए दुआ कीजिए। डॉक्टर प्लीज, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना है तो बुला लीजिए, लेकिन प्लीज इन्हें बचा लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ। रमा, क्या हुआ राकेश को? पता नहीं चाची, कल अचानक दुकान में खून की उल्टी हुई और फिर बेहोश हो गए, उसके बाद से तो इन्हें होश ही नहीं आ रहा। डॉक्टर ने क्या बताया? पता नहीं, डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम रो मत बेटा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी चाची जी, उम्मीद तो यही है। बेटा रमा, ये इतनी बड़ी अंगूठी क्यों पहना रखी है राकेश को? ये अंगूठी तो आपने ही भेजी थी ना, और लेटर में लिखा भी था कि राकेश के पापा की अंगूठी है और उन्हें पहननी है। लेकिन हमने तो कोई अंगूठी नहीं भेजी और न ही कोई लेटर भेजा। आपने नहीं तो किसने भेजी होगी? राकेश ने जिस दिन से अंगूठी पहनी है उसी दिन से वो बीमार है। क्या? कुछ तो गड़बड़ है, ये अंगूठी हमें जल्दी राकेश के हाथ से निकालनी होगी। कौन हो तुम? मैं यहाँ राकेश को लेने आई हूँ, और कल अमावस्या की रात है, जैसे ही आधी रात होगी मैं इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम राकेश को हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ चलो। लेकिन अब राकेश को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यहाँ तुम्हारे चाचा रुक जाएंगे, लेकिन तुम जल्दी मेरे साथ चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। हे भगवान, मैं कैसे इन्हें बचाऊं? प्लीज मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। मुझे पता है कि आपके पति के पास समय काफी कम है,
उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। काला जादू? लेकिन तुम्हें कैसे पता? और तुम कौन हो? मेरी छोड़िए, आपके पति को बचाने के लिए मुझे उनके पास जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूं? और तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, तभी मेरी नज़र आपके पति पर पड़ी और मैं समझ गया कि इन पर किसी ने काला जादू किया है। पर कैसे? मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं और मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ। अब आप जल्दी चलिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। आप सब कमरे से बाहर चले जाओ, नहीं तो किसी को भी खतरा हो सकता है। मैंने कहा था ना, अगर कोई राकेश के हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे मार डालूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती। मैं तेरी इस गलत फहमी को अभी खत्म कर दूंगी। ये ले। मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, अगर बचना चाहती है तो राकेश को छोड़ दे और यहाँ से चली जा। मैं किसी से भी नहीं डरती। रमा, जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ बाबा? मैं इस भूतनी को यहाँ उलझा कर रखता हूँ, तुम जल्दी इस अंगूठी को बाहर जाकर जला दो। अच्छा ठीक है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं जल रही हूँ। आप सब अंदर आ सकते हो। रमा, अरे आपको होश आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप ही की वजह से आज मेरे पति ठीक हो पाए हैं। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? ये तो मेरा फर्ज था। अब से ध्यान रखना, कोई भी चीज बिना पूरी जानकारी के इस्तेमाल मत करना, और ये धागा आप सब अपने अपने हाथ पर बांध लेना, और ये जल अपने पूरे घर में छिड़क देना। ठीक है बाबा। अब मुझे जाना होगा। हेलो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।